हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ व्हाट आई ईट इन अ डे। एक्चुअली मैं अपने सेकेंड सेमेस्टर में हूँ, मेरा फोर्थ मंथ चल रहा है, तो आज मैं आपके साथ पूरा अपना डाइट शेयर करूँगी कि मैं दिन भर में क्या खाती हूँ क्या नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। आज का एक्चुअली वेदर बहुत अच्छा है, मैं आपको दिखाती हूँ। सो फॉर द फर्स्ट मील आई हैव एप्पल एंड ये थोड़े भिगे हुए नट्स हैं। फर्स्ट मील आई ईट अराउंड 9 बजे, तब तक मेरा सब कुछ हो जाता है, मतलब मेरा मॉर्निंग रूटीन विच आई शेयर्ड इट अर्लियर। नट्स के साथ मैं फ्रूट भी खा लेती हूँ, ये दोनों मेरा फर्स्ट मील होता है। उसके बाद मैं थोड़ा दूध पी लेती हूँ, क्योंकि मेरे को जब पता चला था दैट आई एम प्रेगनेंट, तो फिर मेरे को सबसे पहले यही टेंशन आया था कि अरे अब मेरे को दूध पीना पड़ेगा, एंड जो मुझसे बिल्कुल भी नहीं होता, मैं नहीं पी सकती दूध। लेकिन अभी आई एम ट्राइंग टू हैव इट, अभी आई स्टार्टेड हैविंग इट बाद में, क्योंकि जब स्टार्टिंग में फर्स्ट मेरे 3 मंथ थे तभी मैं नहीं पी सकती थी। आई वॉज नॉट एबल टू टॉलरेट दैट स्मेल, बहुत ही ख़राब स्मेल कर रहा था। मैंने एक दो बार ट्राई किया, मुझसे नहीं हुआ। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। फ्यूचर बेबी, तुम जब भी ये वीडियो देख रहे हो, अगर तुमने कभी भी दूध पीने में टैंट्रम्स दिखाया ना, आई शो यू दिस, तेरे लिए इतना पी रही हूँ, वरना मैं कभी नहीं पीती। मॉर्निंग रूटीन में अभी से नहीं, मैं मेरा मॉर्निंग रूटीन में पहले से ही, मतलब 1 जनवरी से ही मेरा चालू है। एक्चुअली तभी मैंने खुद को ऐसा रिजोल्यूशन लिया था, न्यू ईयर रिजोल्यूशन, कि कभी भी 50 kg तक नहीं गए। मतलब मेरा सबसे लीस्ट वेट था 57 kilos, तो आई वॉन्टेड कि हाँ अभी मैं इस साल अच्छे से देखूँ कि एग्जैक्टली किसी के होने के बाद मैं कैसी दिख के मुझे ये देखना था। तो ये मेरा रिजोल्यूशन था कि मैं इस साल इतना तो करूँगी, और मैंने ये भी ठान लिया था कि मैं इस साल मेडिटेशन तो मैं पक्का करूँगी, क्योंकि मेरे को इस साल पूरी तरह से स्पिरिचुअल बनना था, ये मैंने पहले ही ठान लिया था। तो वही वो सब चालू ही था, लेकिन यूनिवर्स के तहत खुद के कोई और प्लान्स थे, तो अभी तो छोड़ दो, वो अभी जब बेबी हो जाएगा उसके बाद फिर देखेंगे वेट लूज एंड ऑल। अभी तो खाओ पियो ऐश करो वाला ही काम है, बस खाओ अच्छे से रहो, हेल्दी रहो, बस और क्या। मेरे फर्स्ट सेमेस्टर में एक्चुअली मुझे पता ही नहीं था, मतलब 1.5 महीना 9 वीक्स वगैरह होने तक आई वॉज नॉट नोइंग दैट आई एम प्रेगनेंट। वैसे ही मेरे को पीरियड्स हमेशा लेट आते हैं, 1 हफ्ता 2 हफ्ता ऐसा लेट ही आते हैं हमेशा पीरियड्स, लेकिन मुझे लगा ही नहीं था दैट आई एम प्रेगनेंट। तो आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग कि हाँ ठीक है, मेरे को लगा आ ही जाएगा पीरियड आ ही जाएगा, सो मैंने उतना ध्यान नहीं दिया। मैं अच्छे से बढ़िया अपना एक्सरसाइज कर रही थी, जंपिंग जैक स्ट्रेचेस एंड एवरीथिंग आई वाज डूइंग। तो उसके बाद जब फिर चेक किया, 2 हफ्ते हो गए, फिर उसके 2 हफ्ते ज़्यादा ही हो गए, और मेन क्या था कि मैं डेट ही भूल गई कि मेरा पीरियड का डेट था क्या, इसीलिए थोड़ा वो कन्फ्यूजन नहीं था। स्टार्टिंग में तो कुछ ऐसा लगा नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। फर्स्ट सेमेस्टर में मेरे को एक बार भी वोमिटिंग नहीं हुई, सिर्फ मॉर्निंग सिकनेस होता था मुझे, मॉर्निंग में नौशिया होता था, लेकिन मुझे एक बार भी वोमिटिंग नहीं हुई, टच वुड, मेरे को वो चीज़ का फेस नहीं करना पड़ा। और बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं था, बस बहुत ज़्यादा आई फेल स्लीपी, ऐसा लगता था कि सो जाऊँ, बहुत लेजी फील करती थी, थक जाती थी। और हाँ, और एक चीज़ हुई थी कि मेरे को रात को सोते वक्त मेरी नाक बंद हो जाती थी, आई वॉज नॉट एबल टू ब्रीद अच्छे से अभी भी, क्योंकि मेरे को पिलो लेके सोने की आदत नहीं है, तो मैं बिना पिलो के सोती थी। फिर उसके बाद जब मैंने डॉक्टर को बोला कि मुझे ऐसा ऐसा हो रहा है, तो उन्होंने बोला कि पिलो लेके एक बार ट्राई करो आप, होता है, मतलब ऐसा हो रहा है क्या। फिर उसके बाद आई स्टार्टेड यूजिंग पिलो, तो अभी वो प्रॉब्लम नहीं होती, नहीं तो मेरे को रात को सांस लेने में बहुत प्रॉब्लम होती थी। स्टार्टिंग में मुझे थोड़ा तेल का स्मेल आता था, और आई वॉज नॉट एबल टू ईट पनीर, पनीर से तो बहुत ही ज़्यादा नहीं हिम्मत थी मेरी पनीर, मैं देखती भी थी पनीर को तो मुझे ऐसा उल्टी ऐसा लगता था, आई फेल्ट लाइक प्यूकिश। नॉर्मली रोटी दाल सब्जी यही खा रही हूँ, मैंने भाकरी और मल्टीग्रेन रोटी वो सब खाना छोड़ ही दिया, क्योंकि वो मुझसे नहीं हो रहा है। पहले मैं पनीर हर रोज़ खा रही थी, हर रोज़ अच्छा थोड़ा रोस्ट करके ऑयल में, लेकिन उसके बाद आई नहीं, मैं फर्स्ट सेमेस्टर में पनीर नहीं खा पाई, मैं मल्टीग्रेन रोटी नहीं खा पाई, कोई भी भाकरी नहीं खा पाई, और मुझे कोई भी, जैसे मैं सलाद खाती थी पहले रोज़, अभी मुझे सलाद खाना नहीं, तो वो तो मुझसे अभी भी नहीं हो रहा है, आई एम नॉट एबल टू हैव सलाद।
कोई भी कच्चे मतलब ककड़ी खाने से भी, क्यूकम्बर, टमेटो, कुछ भी नहीं हुआ है मुझसे। ऑमलेट में ना मुझे अच्छा लगता है कि मैं उसमें थोड़ा सा प्याज, हरी मिर्च ऐसे ऐड करती हूँ, और एल्स मुझे वो बहुत ही प्लेन लगता है, मुझे पसंद नहीं, मुझे बहुत ज़्यादा चटपटा खाने का मन करता है। ऑमलेट बनाने का ना सबसे ट्रिकी पार्ट मुझे यही लगता है कि ये अंडा जो है इसका येलो वाला नहीं जाना चाहिए। पहले तो कोई टेंशन नहीं था, लेकिन अभी थोड़ा थोड़ा ठीक ही है। वैसे तो आई ट्राइड कि उसमें कुछ येलो एग योक ना जाए, लेकिन थोड़ा सा हल्दी, फर्स्ट टाइम से जब भी मैं ब्रेकफास्ट करना रहता था, तभी फर्स्ट टाइम में ब्रेकफास्ट में मैंने ज़्यादा कुछ ऐसा खाया नहीं। मैंने खाया पोहा, उपमा, साउथ इंडियन कभी कभी, क्योंकि साउथ इंडियन मुझे नहीं पच रहा था। मैंने एक दो बार ट्राई किया, लेकिन पता नहीं क्यों, वैसे तो वो बहुत लाइट होता है डाइजेस्ट करने में, लेकिन वो मैं डाइजेस्ट नहीं कर पा रही थी और अभी भी नहीं कर पा रही हूँ। मैंने उस दिन भी इडली खाया था, मैंने घर मम्मी घर पर थी तभी उन्होंने इडली बनाया था, लेकिन आई वॉज नॉट एबल टू डाइजेस्टेड। उसके बाद मुझे दिन भर अनईजी फील हुआ, तो साउथ इंडियन आई एम स्किपिंग। लेकिन हाँ, कभी कभी ओट्स, एक दो बार मैंने ओट्स भी खाने का ट्राई किया, लेकिन ओट्स भी मुझसे खाना नहीं हुआ क्योंकि मुझे उसकी स्मेल और वो टेस्ट बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। तो आई स्टिक टू पोहा, उपमा। मोस्टली आई हैड पोहा एंड उपमा इन माई सेकेंड फर्स्ट ट्राइमेस्टर, और अभी तो एग्स ही चालू है। एग्स आई लाइक, मेरे को एग्स खाना बहुत अच्छा लगता है वैसे ही। वैसे तो उसको एग्स के साथ, मुझे ब्रेड के साथ एग ऑमलेट खाना पसंद है, लेकिन अभी मैं ब्रेड वगैरह खाना पहले से ही छोड़ दिया बहुत दिनों से, तो अभी अवॉइड कर रही हूँ उसको खाने के लिए। वैसे ब्रेकफास्ट में हम लोग स्प्राउट्स भी खा सकते हैं, लेकिन है ना, स्प्राउट्स को अच्छे से उसको कुक करके खाना है, क्योंकि कोई भी चीज़ हमको रॉ नहीं खानी है व्हेन यू आर प्रेग्नेंट। तो कोई भी चीज़ खाओ, अच्छे से कुक करके खाओ, चाहे वो स्प्राउट्स हो या कुछ भी हो, सारा कुछ कुक करके ही खाओ, तभी खाओ। और एग भी थोड़ा भी वो सनी साइड अप या फिर जो भी है खाते हैं ना हाफ फ्राइड, वो सब मत खाओ, पूरा फुली कुक खाओ। बॉयल एग भी हो तो अच्छे से हार्ड बॉयल करो, 12 मिनट्स। मैं 12 मिनट्स के लिए बॉयल करती हूँ, तब तक अच्छे से बॉयल हो जाता है वो, उसके बाद ही खाई। मुझे भी ना ज़्यादा कुछ पता नहीं था, मतलब क्या खाना क्या नहीं खा बताना चाहिए। फिर मैंने भी बहुत सारा गूगल सर्च करके, फिर डॉक्टर को पूछ के, उन्होंने भी कुछ डाइट ली। वैसे तो वो लोग नॉर्मल डाइट देते हैं जो सब हर कोई फॉलो करता है, ऐसी ही डाइट देते हैं वो। स्टार्टिंग में तो कोई डाइट नहीं देते, बस सेकंड ट्राइमेस्टर से ये बोलते हैं कि तुम दूध पीना चालू कर दो बस। बाकी तो मेरे को तो नॉर्मल ही लगा। उसके बाद दूध, दही, जो भी अपना डेयरी प्रोडक्ट्स है वो सारे तो खाने ही चाहिए। अभी मैं लास्ट टाइम 2-3 दिन से हो गया, मतलब 2-3 बार, सॉरी 2-3 दिन नहीं, 2-3 बार मैंने ट्राई किया पनीर खाने का। तो अभी मेरे को पनीर से कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से अच्छे से पनीर खा सकती हूँ। वैसे मुझे पनीर खाना बहुत पसंद है, लेकिन पहले नहीं खा पा रही थी, लेकिन अभी मैं खा पा रही हूँ, तो अभी मैं पनीर खाना स्टार्ट कर दूँगी। और हाँ, स्टार्टिंग के 3 मंथ में मुझे डॉक्टर ने नॉनवेज खाने से भी मना किया था। और एक चीज़ मैंने आपको बताना भूल गई कि चाइनीज़ पूरी तरह से मैंने अवॉइड किया, अभी भी अवॉइड कर रही हूँ, क्योंकि मेरे को चाइनीज़ खाने की बहुत मन करता है कि हाँ मैं खा लूँ, लेकिन मैं नहीं खा रही थी। और मैंने स्टार्टिंग में मोमोज भी नहीं खाए, लेकिन अभी जाके मैंने जब सेकेंड ट्राइमेस्टर में, तब जाके मोमोज खाए। चाइनीज़ तो मैं नहीं खाऊँगी, एंड तक नहीं खाऊँगी। डॉक्टर ने डायरेक्टली बोला कि नो टू चाइनीज़। और नॉनवेज भी उन्होंने मना किया था, क्योंकि उसमें बहुत सारे गर्म मसाले वगैरह रहते हैं, तो इसलिए वो मना करते हैं नॉनवेज खाने के लिए भी। लेकिन अभी मेरे को बहुत ज़्यादा क्रेविंग्स हो रही थी कि मैं चिकन खा लूँ, चिकन खा लूँ, चिकन खा लूँ, तो फिर अभी मैं चिकन खाना भी स्टार्ट कर लिया। अभी मैं धीरे धीरे करके सारा कुछ ही धीरे धीरे, जैसे कि फ़िश हो गया। वैसे तो आई डोंट हैव रेड मीट, हम लोग, मैं, मतलब मेरे घर में हम लोग कभी भी रेड मीट खाया ही नहीं हम लोगों ने कभी, तो रेड मीट खाने का वैसी आदत नहीं है हमको। तो हम लोग सिर्फ चिकन और फिश ही, फिश भी हम लोग बहुत रेयर खाते हैं, क्योंकि वो मुझे खाते नहीं आता, वो प्रॉब्लम है, नहीं तो चिकन ही है जो हम खाते हैं बस। नॉनवेज में कुछ नहीं खाते, और है। तो अभी मैं स्टार्ट करूँगी धीरे धीरे कि मैं फ़िश भी खाना स्टार्ट करूँ। आई स्टार्ट हैविंग फ़िश अभी धीरे धीरे। तो या लेट्स सी हाउ एवरीथिंग गोज, देखते हैं अब मुझे क्या डाइजेस्ट होता है क्या नहीं होता। वैसे चिकन तो मैं अच्छे से खा पा रही हूँ, बस मुझे इडली का थोड़ा प्रॉब्लम है, इडली, सांभर वड़ा, उत्तपम, व्हाटएवर इट इज़। तो साउथ इंडियन का ही मेरे को डाइजेशन का प्रॉब्लम, बाकी तो मैं चिकन अंदर सब अच्छे से पचा लेती, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। और
और एक बहुत वियर्ड चीज़ हुई मेरे साथ, एक्चुअली मेरे को कभी भी मैगी खाना नहीं पसंद। मैं उन लोगों में से जिनको मैगी बिल्कुल नहीं पसंद, आई हेट मैगी। अगर कोई मुझे बोलेगा कि चलो यार मैगी खाते हैं, और कोई खा रहा है मैं तभी उनके प्लेट से एक या दो बाइट ले सकती हूँ, उससे ज़्यादा मेरे को ऐसा नहीं कि यार मन हो रहा है मेरा आज मैगी खा लूँ, मेरा ऐसा कुछ भी नहीं। तो लेकिन मेरे को ऐसा लगा था कि कितना मैगी का और कितना नहीं, इतना ज़्यादा मैगी खाने की क्रेविंग्स हो रही थी मुझे बहुत ज़्यादा। और मेरे को फर्स्ट 3 मंथ्स में मिर्ची का ठेसा, हरी मिर्ची का ठेसा खाने का भी बहुत मन कर रहा था। मैं कितना भी तीखा खा रही हूँ, मुझे बिल्कुल तीखा नहीं लग रहा था। मेरे को लग रहा बाप रे मैं कितना तीखा खाऊँ। और तो मैं क्या करती थी, अगर मैंने दाल भी बना ली, कोई सब्ज़ी बना ली, तो मैं ग्रीन वाली अपनी हरी मिर्ची लेती थी, उसको बीच में स्लट करती थी और उसको तल के खाती थी खाने के साथ। तो मेरे को बहुत ज़्यादा तीखा खाने का मन कर रहा था। दाल में लगा दिया बढ़िया सब तड़का। एक्चुअली ये मूंग की दाल है, मैं तूर दाल खाना थोड़ा अवॉइड ही करती हूँ क्योंकि वही मुझे डाइजेस्ट नहीं होता। लंच ऐसे ही होता है, एकदम सिंपल सा। मैं रोज़ दोपहर में कभी कभी मन किया तो मैं रोटी बनाती हूँ, मन किया तो चावल सब खा लेती हूँ, या तो सिर्फ रोटी, या फिर कभी कभी दोनों खा लेती हूँ। लेकिन हाँ, एवरी डे आई मेक श्योर कि मेरे लंच में एक कटोरी दाल हो और उसके बाद मैं थोड़ा दही खा लेती हूँ, एक कटोरी दही, या फिर कभी कभी ताक। सब्ज़ी में मैं कोई भी सब्ज़ी बना देती हूँ जो भी मेरे पास अवेलेबल हो फ्रिज में वो, या तो आई ट्राई टू हैव थोड़ा ग्रीन वेजिटेबल वाला सब्ज़ी, हमेशा डार्क ग्रीन कलर का, जो भी चटक कलर का ग्रीन कलर का दिखेगा मैं वो ट्राई करती हूँ कि वो बनाऊँ, या तो फिर और मेन मुझे ना कभी कभी बहुत ज़्यादा पसंद है कि मैं पालक दाल बना लूँ। पालक दाल भी मैं बहुत बार खाती हूँ, हफ्ते में 2-3 बार तो मैं खा ही लेती हूँ, एक बड़ा कटोरी पालक दाल, उसके साथ 2 रोटी। वैसे आई मोस्टली हैव 2 रोटी, थोड़ा सा राइस अगर मेरा मन है तो। वैसे तो 2 रोटी में मेरा फुल हो जाता है, क्योंकि क्या है ना, प्रेगनेंसी में हर कोई बोलता है कि थोड़ा थोड़ा ज़्यादा बार खाओ, एक साथ बहुत सारा मत खाओ। तो मैं वही ट्राई करती हूँ कि मैं थोड़ा थोड़ा हर 1 घंटे में कुछ ना कुछ खा लूँ। तो मैं लंच भी थोड़ा कम ही करती हूँ, उसके बाद अगर मुझे भूख लगे तो मैं दोपहर में 4-5 बजे अगर मुझे लगता है कि मुझे कुछ खाना है, या फिर मुझे रोटी ही खाना है, या फिर चावल ही खाना है, तो मैं थोड़ा सा खा लेती हूँ। तो मैंने अभी आपको दिखाया नहीं, लेकिन खाना खाने के 20 मिनट्स पहले वगैरह, ओह माय गॉड, किसी घर में कुछ काम चल रहा है। अपार्टमेंट्स में ऐसे ही होता है, दिन भर कुछ ना कुछ, किसी ना किसी के घर में कुछ ना कुछ चलते ही रहता है, और अभी दिवाली आ रही है तो सबके घर में कुछ ना कुछ चलते ही रहता है। हाँ, तो मैं ये बोल रही थी कि मैं खाना खाने के 20 मिनट्स पहले एक ग्लास पानी पी लेती हूँ, उसके बाद 20 मिनट्स बाद या फिर हाफ एन आवर के बाद मैं खाना खा लेती हूँ। अभी लेट मी चेक, हाँ अभी बज रहे हैं 1। मैं हर रोज़ अपना लंच 1 बजे कर लेती हूँ, अगर कभी कभी लेट हो गया, फिर मुझे आलस आ रहा है बनाने में और लेट हो रहा है, तो फिर मैं 1:30 बजे तक ही खाती हूँ। उससे ज़्यादा मैं उसको स्ट्रेच नहीं करती, 1 से 1:30 के बीच में मैं अपना लंच कर लेती हूँ। आफ्टर लंच टाइम टू हैव माई फेवरेट दही। दही इज़ लाइक अ डेजर्ट फॉर मी, मेरे को बहुत पसंद दही खाना। 5 बजे मैं पीती हूँ चाय। चाय में हम शुगर नहीं डालते, और चाय के साथ में स्नैक्स में कभी कभी मखाना, रोस्टेड पीनट्स, या फिर रोस्टेड चना, या फिर उबला हुआ चना जो होता है, उसे थोड़ा सा फ्राई करके मैं वो खा लेती हूँ। उसके बाद भी अगर मुझे थोड़ी बहुत भूख लगती है, जैसे 6-6:30 के करीब, तो मैं एक पीनट चिक्की या फिर राजगिरा चिक्की, ऐसा कुछ भी खा लेती हूँ। आज मैं चाय के साथ खा रही हूँ मखाना। मखाना मुझे खाना बहुत अच्छा लगता है, इट्स वेरी हेल्दी। 7:30 बजे आई हैव माई डिनर, उसमें रोज होता है सब्ज़ी, चावल, दाल, बस। एंड येस, दैट्स इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।